दोस्तों, अगर आप भी बुम बुम बुमराह को दुनिया का सबसे खूंखार गेंदबाज मानते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप पूरा वर्ल्ड कप का मजा बड़ा करीब से उठाना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड कप में बने रहेंगे आपके साथ। तो दोस्तों, भारत की जबरदस्त शुरुआत हुई वर्ल्ड कप में। हम सब ने देखा कि पहले ऑस्ट्रेलिया को, फिर अफगानिस्तान को और फिर पाकिस्तान, चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भी भारत ने एक तरफा रौंदा दोस्तों। तो आखिरकार भारत का जो चौथा मुकाबला आज बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया, इस मुकाबले में क्या हुआ वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ यूं इस मुकाबले में कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले तो शानदार तरीके से टॉस को जीता और टॉस जीतते ही किया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। दोस्तों, हम सबको को पता है कि रोहित शर्मा ने जरूर शतक मिस किया था पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उससे पहले शानदार शतक लगाया था अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन बात करें सुमन गिल की, जो पिछले दो मुकाबलों में नहीं खेले थे क्योंकि उनको डेंगू हुआ था, ये हम सबको पता है। लेकिन सुमन गिल ने जबरदस्त शुरुआत की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट भी। 11 गेंदों में 16 रन बनाए थे, 3 चौके उनके बल्ले से निकले थे। लग रहा था कि सुमन गिल आज कुछ बड़ा करेंगे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, लेकिन वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए थे। लेकिन आज सुमन गिल के लिए भी एक सुनहरा मौका था, क्योंकि वो एक बार फिर से वर्ल्ड कप में भारत की ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतर चुके थे। भारत के लिए जबरदस्त शुरुआत की रोहित शर्मा और सुमन गिल ने, दोनों के बीच में सबकी पार्टनरशिप भी लगी। इस बीच में रोहित शर्मा 41 रन बना करके आउट हो जाते, लेकिन सुमन गिल अपना अर्धशतक बना करके क्रीज पर मौजूद थे। ऐसे में विराट कोहली 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते, फिर विराट कोहली और सुमन गिल के बीच में भी शानदार पार्टनरशिप लगती। विराट कोहली भी 48 रन बना करके आउट हो जाते, लेकिन सुमन गिल ने इसी बीच में अपना शतक भी पूरा किया। सुमन गिल की शानदार बल्लेबाजी के लिए एक लाइक तो बनता है, लेकिन सुमन गिल डटे रहे क्रीज पर। विराट कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर भी आए क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए। श्रेयस अय्यर और सुमन गिल के बीच में पार्टनरशिप लगते, उससे पहले सुमन गिल रन आउट हो जाते हैं श्रेयस अय्यर की एक छोटी सी गलती की वजह से। लेकिन उसके बाद जब केएल राहुल क्रीज पर आए तो फिर हमें चौके और छक्कों की बारिश देखने को मिली। केएल राहुल, जिनको अभी तक वर्ल्ड कप में कुछ खास बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज जब मौका मिला तो केएल राहुल ने बताया कि क्यों वो इतने बड़े बल्लेबाज कहे जाते हैं। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की 48 गेंदों में। बात करें हम केएल राहुल की, तो केएल राहुल ने 48 गेंदों में शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 79 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। बात करें श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर ने भी 61 रनों की पारी खेली, लेकिन इन दोनों का आउट होने के बाद जब क्रीज पर उतरे बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या ने भी शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन तारीफ करेंगे हम शार्दुल ठाकुर की भी, शार्दुल ठाकुर ने भी शानदार बल्लेबाजी की। हार्दिक पांड्या के मिलकर के इन दोनों की बल्लेबाजी के बलबूते भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ रख दिया था 361 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर। लेकिन जब बांग्लादेश की टीम इसको चेस करने के लिए मैदान पर उतरी तो बांग्लादेश की पूरी टीम 129 रनों पर ढेर हो गई। इस प्रकार से भारत ने वर्ल्ड कप 2023 का चौथा मुकाबला भी जीत लिया।